स्वागत है, मैं आपके साथ रश्मि शर्मा। आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरें। आसाराम ने खड़ा किया साम्राज्य, अब बेटी भारती संभालेगी आश्रम। तुर्की में 14 पत्रकार को कैद की सजा, आतंकी संगठनों की मदद करने का आरोप। कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान, गोवा में गिरीश चोंडाकर होंगे अध्यक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अमरोह दौरे, बिलविंद 2 बजे के बाद पहुंचेंगे। चारा घोटाला, लालू के करीबी भोला यादव ने कोर्ट में अवमानना नोटिस का दिया जवाब। एम्स में इलाजरत लालू यादव से मिलकर भावुक हुए बेटे तेजस्वी। अहमदाबाद और सूरत में आसाराम के आश्रमों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। कानपुर में कांग्रेसियों ने की 74वां संशोधन लागू करने की मांग। राहुल गांधी की दिल्ली रैली से पहले पूर्व सीएम हुड्डा ने दिखाई ताकत। 36 महीने में तैयार होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसानों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। डोकलाम विवाद के बाद पहली बार चीन सिंह से मिलेंगे मोदी, आज चीन होंगे रवाना। HDFC बैंक में FD कराने पर अब आपको मिलेगा ज्यादा ब्याज। PM की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाने के मामले में CM केजरीवाल के खिलाफ याचिका खारिज। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने के साथ आत्मरक्षा के गुण सिखाएगी आकांक्षा सिंह। धन्यवाद, बने रहिए अलका टुडे न्यूज के साथ।